तो क्या आप ये ईश्वर के ऊपर विश्वास लाएंगे? मैं लाऊंगा, आप अपने अच्छे मन से और दिल से उनको चाहूंगा और मानूंगा उनको। अच्छा, आप ईश्वर को मानेंगे? एक बात बताइए, आप यहाँ पे बैठ के आप स्मोकिंग कर रहे थे, तो इसके पीछे का कोई कारण, कोई रीजन? अच्छा, तो आप ये जानते हुए कि वो आपके सेहत के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, फिर भी आप उसको पी रहे थे? हम तो पीता हूँ, लेकिन कभी कभार पीता हूँ, लेकिन कम पीता हूँ, लत लगा हुआ है। पर फिर भी वो आपके सेहत के लिए, आपके जीवन के लिए जहर है? कोशिश तो किया है कई बार, लेकिन छूटता नहीं है। पर भाई देखो, मैं एक बार मैं चिंगम भी खाता हूँ, डबल कम फिर नहीं लगता। अब सुनो ना मेरे भाई, ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, ये समस्या जो अभी आप बता रहे हो ना, ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, ये समस्या सारे लोगों की है जो ऐसे लत से परेशान है, जो ऐसे चीजों से परेशान है, ये सबकी समस्या है, सिर्फ आपकी नहीं है। और इससे कुछ समय पहले ये समस्या मेरी भी थी, जब तक मैंने भी सच्चाई को नहीं जानता था, परमेश्वर को नहीं जानता था, ईश्वर को नहीं जानता था, तो ये समस्या मेरी भी थी। मैं भी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता था, बहुत ज़्यादा नशा करता था और उससे बाहर निकलने का प्रयास करता था, लेकिन कोई रास्ता में दिखाई नहीं देता था, समझ रहे बात को? इसलिए मैं स्मोकिंग करके मैं पछताता था, मैं अफसोस करता था, मैं शर्मिंदा होता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, समझ रहे बात को? तो यही इससे मेरे ही ये स्टोरी आपके साथ भी है, आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, उसके पीछे कारण है, उसके पीछे रीजन है। देखो, ये सारी जितने ये जो स्मोकिंग, पाप, बुराई, नशा, ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये अंधकार की ओर से आती है, ये सब नकारात्मक विचार होती है, समझ रहे बात को? ये सारी चीज़ें नकारात्मक सोच से आती है, समझ रहे बात को? जो डीमन होते हैं ना, जिसको हम दुष्ट आत्मा कहते हैं, तो ये सब दुष्ट आत्मा की ओर से आती है। अच्छा, एक बात बताओ, ये शरीर आपकी है, ये बॉडी आपकी है, लेकिन आप वो काम नहीं कर पा रहे हो जो आपको करना चाहिए, आप वो कर रहे हो जो आप नहीं चाहते हो करना, समझ रहे बात को? तो इसका सीधा सी जवाब है मेरे भाई, आपके ऊपर डीमन का कब्जा है, आपके ऊपर दुष्ट आत्माओं का कब्जा है, समझ आ रही है बात को? इसीलिए जो आप चाहते हो अच्छा काम करे, वो अच्छा काम आप नहीं कर पा रहे, लेकिन आप उसके उल्टे, उसके उल्ट आप काम कर रहे हो। तो क्या आप ऐसे नशा से, स्मोकिंग से, बुराई से आप छूटना चाहते हो? पक्का? तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। क्योंकि मैंने खुद भी, मुझे भी किसी भाई ने यीशु मसीह के बारे में बताया और मैंने भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, यीशु मसीह को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, और आज मैं खुद यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ और लोगों को मैं गवाही देता हूँ कि आप भी अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाओगे तो आपके भी जीवन बदलेंगे, आपके भी जीवन चेंज होंगे, और आप भी इन सब चीजों को छोड़ पाओगे और आप भी हमेशा के जीवन प्राप्त कर पाओगे। तो क्या आप चाहते हो सच्चाई के राह पे चलें? सच्चाई के राह पे और अच्छाई के राह पे जाना चाहता हूँ। आप चाहते हो ये नशा से, स्मोकिंग से बाहर निकले? अच्छा होना चाहता हूँ। आप अच्छा होना चाहते हो? तो क्या आप ये ईश्वर के ऊपर विश्वास लाएंगे? मैं लाऊंगा, उनको मानूंगा, आप अपने अच्छे मन से और दिल से उनको चाहूंगा और मानूंगा उनको। अच्छा, आप ईश्वर को मानेंगे? हाँ, क्योंकि अभी तक मैंने अपना कोई गुरु धारण नहीं किया हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक नहीं, क्योंकि जो मेरा गुरु उदाहरण मैंने किया था अपने माँ बाप को दिया था, उसके अलावा मैंने अभी तक किसी को अपना गुरु नहीं बनाया। अच्छा अच्छा, बाहर जैसे लोग गुरु उदाहरण करते हैं ना, मैं अपने नाम दान लेते हैं, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या कहते हैं, मैं आपके लिए दुआ करूं? हाँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? सबसे पहले आप यानी मेरे साथ दोहराइए, जो मैं प्रार्थना करूंगा आप दोहराइए, है परमेश्वर, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ, आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं उनको अपना उद्धारकर्ता कबूल करता हूँ, मैं उनका उद्धार करता हूँ, अपना उनको कबूल करता हूँ, और उनके राह पे चलने का निर्णय लेता हूँ, उनके राह पर चलने का निर्णय लेता हूँ, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे गुनाहों को माफ कीजिए, मेरे गुनाहों को माफ कीजिए, मेरे बुराइयों को क्षमा कीजिए, मेरी बुराइयों को क्षमा कीजिए, मेरे अंदर से बुराई चीजों को निकालिए, मेरे अंदर से जो भी कुछ है, जो भी बुराई चीजें हैं उनको बाहर निकालिए, मैं आपके सच्चाई के राह पे चलना चाहता हूँ, मैं आपके सच्चाई के राह पर चलना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए,
मैं आपको पुकारता हूँ, मैं आपको पुकारता हूँ, मुझे बुरी जिंदगी से बाहर निकालिए, मुझे बुरी जिंदगी से बाहर निकालिए, मुझे नशे से बाहर निकालिए, मुझे नशे से मुक्त कीजिए, मेरे को बाहर निकालिए, मुझे बुरी रास्तों से बाहर निकालिए, मुझे बुरी रास्तों से बाहर निकालिए, मुझे सच्चाई की राह पर चलाइए, मुझे सच्चाई और सच्चाई की राह पर चलाइए, मैं ईमान लाता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ और विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ यीशु के नाम, यीशु के नाम, आमीन आमीन। धन्यवाद ईश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता, आप धन्यवाद के साथ इस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, इस भाई के लिए दुआ करते हैं पिता। आपको वचन आपके कलाम में लिखा है कि जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। सो हमारे महान परमेश्वर पिता, ये भाई ने आपके ऊपर ईमान लाई, ये भाई आपके ऊपर विश्वास कर यानी किए हैं, और ये भाई बुराई के राह पे नहीं वरन सच्चाई के राह पे चलना चाहते हैं, ये यानी सही काम करना चाहते हैं। इसलिए हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है, मेरी दुआ है कि इस भाई के विनती को सुनिए, जिस प्रकार आपने हम सबके जीवन को चेंज किया, जिस प्रकार आपने अपने लोगों के जीवन को चेंज किया, वैसे ही खुदा बाप आप सारे मानव जात के परमेश्वर हैं, आप सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लोगों का यानी परमेश्वर हैं, आप पक्षपात नहीं करने वाले हैं। खुदा बाप हम प्रार्थना करते हैं कि इस भाई के भी जीवन को चेंज कीजिए, इस भाई के भी जीवन को बदलिए, और इस भाई को भी अपने सच्चाई के राह पे चलाइए, और इस भाई के भी हर भूल चूक को क्षमा और माफ कीजिए, और इस भाई को भी हमेशा के जीवन दीजिए। खुदा जीवन आपके पास है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी नहीं मरेगा। सो हमारे महान परमेश्वर, ये भाई आपके ऊपर विश्वास किए, मेरी प्रार्थना इस भाई के यानी विश्वास के द्वारा इनके हर प्रकार के गुनाहों को माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, और इन्हें हमेशा के जीवन दीजिए। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और चलिए अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और जहाँ पर भी चर्च होगा, जहाँ पर भी परमेश्वर के लोग होंगे, ठीक है, वहाँ आप जाइएगा, उनके साथ संगति में प्रार्थना में बैठिएगा, तो परमेश्वर की मसा, परमेश्वर की जो आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, और आप एक गवाही के तौर पे, एक टेस्टमनी के तौर पे आप बाहर आओगे और आप परमेश्वर की सेवा कर पाओगे। ओके।